गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई डीपी सर अगेन विथ बैलेंस द केमिकल इक्वेशन पार्ट थ्री इन विच सम न्यू क्वेश्चन सम न्यू इक्वेशंस टू हाउ टू बैलेंस इट। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द क्लास टेंथ स्टूडेंट्स। ओके, कम वी विल सी वन बाय वन। फर्स्ट इक्वेशन इज एल्युमिनियम Al प्लस NaOH प्लस H2O गिव्स आउट NaAlO2। क्या है देखिए जरा सा, NaAlO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस है जिसके लिए ऊपर एरो बना हुआ है। देखो अपवर्ड एरो बना हुआ है ना, देखो ये बना हुआ है, ये ऊपर से एरो। ठीक, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो अगर हम देखें इधर, तो इधर Al कितना है, 1 है। Al देखिए राइट साइड में कितना है, 1 है। Na यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है इसमें, 2 है। 1 इधर 1 इधर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2। बहुत अच्छा। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 यहाँ पर है NaOH के साथ और 2 यहाँ पर है, तो 3 हो जाएगा। तो टोटल हाइड्रोजन 3 है और इधर हाइड्रोजन है कितना, 2 है। बस यहीं गड़बड़ कर रहा है। अगर हम इसको किसी तरह से इवन नंबर में कन्वर्ट कर दें तो ये सही हो जाएगा, लेकिन इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए NaOH के बगल में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 2 से। लेकिन जब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, Na2 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na को 2 करने के लिए। हो गया ना। फिर समस्या देखो बाद, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एल्युमिनियम भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया, एल्युमिनियम भी 2 हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन कितना हुआ पहले ये काउंट करो, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर 1 3। अब ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया है ना गड़बड़। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ना। लेकिन इसके लिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 2 जा 4, तो टोटल हो जाएगा हाइड्रोजन 6। इसके लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 3 से। अब देखिए रिएक्शन क्या बना, रिएक्शन बना 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O गिव्स आउट 2NaAlO2 प्लस 3H2। समझ में आया, इस तरह से रिएक्शन हुआ। अब ये जो नीचे वाला दूसरा रिएक्शन है इसको कहते हैं सोडियम मेटा एलिमिनेट कहा जाता है। अब ये जो यहाँ पर दूसरा रिएक्शन है देख रहे हो ना, यहाँ एल्युमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O गिव्स आउट KAlO2 पोटेशियम एलिमिनेट प्लस हाइड्रोजन। ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से ऊपर वाला है, इसको आप उसी की हेल्प से बैलेंस करेंगे। ठीक है, आइए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। K2Cr2O7 प्लस HCl गिव्स आउट KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2। अब यहाँ पर भी देखो यहीं लफड़ा है, बहुत बड़ा रिएक्शन है, दिखाई पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम कितना है, 2 है। यहाँ पर पोटेशियम कितना है, 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 2 बन जाएगा। Cr कितना है, 2 है, Cr यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 7 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, H2O है, अर्थात यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 7 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना हुआ जरा देखो, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 7 2 जा 14, कितना हो गया, 14। लेकिन क्लोरीन कितना है, क्लोरीन को भी काउंट कर लेते हैं, आइए 2 2 3 जा 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 क्लोरीन। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, 14। अब यहाँ पर अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 हाइड्रोजन तो हो जाएगा लेकिन क्लोरीन 14 हो जाएगा ना। तो क्लोरीन को 14 करने के लिए हम यहाँ पर देखो कितने पहले क्लोरीन बच रहे हैं, पहले ये देखो 2, ठीक है, 6 6 और 2 8 बच रहा है 6, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से,
थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या बना आप देखिए जरा सा पूरा रिएक्शन कैसे बैलेंस हुआ। 207 प्लस 14 HCl गिव्स आउट 2 KCl प्लस 2 CrCl3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl, ये बना इसमें, ये बैलेंस हुआ। आइए अगले रिएक्शन को देखते हैं। KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2S गिव्स आउट K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O, ठीक है, प्लस सल्फर, क्या निकल रहा है इसमें लास्ट में, सल्फर निकल रहा है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे जरा से ये भी देखो, K है यहाँ पर, यहाँ पर K2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो Mn भी 2 हो गया और ऑक्सीजनेट हो गया, अभी ऑक्सीजन छोड़े रहा हूँ। Mn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो Mn भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब सल्फर देखो, जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया ना, लेकिन यहाँ पर सल्फर कितना है, यहाँ पर सल्फर भी कितना है, 2 है, एक यहाँ से है ना, यहाँ पर सल्फर 213 हो गया, बस सब मामला यहीं गड़बड़ हो गया है ना। तो आप सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3H2SO4 कर दो, क्या कर दोगे, 3H2SO4, लेकिन जैसे 3H2SO4 करोगे तो सल्फर तो बैलेंस हो जाएगा और डिसबैलेंस हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ सल्फर कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, यहाँ पर कितना कर दोगे सल्फर को बैलेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस नंबर को इवन करने के लिए आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने से, 5 से। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पर हो जाएगा और 2 यहाँ पर हो जाएगा, 12। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप पूरे हाइड्रोजन को क्या करोगे, यहाँ पर देखो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने से, 8 से, 10 नहीं हो जाएगा बल्कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 यहाँ पर था और H2S कितने से आपने मल्टीप्लाई किया था, 5 से, तो 5 2 जाए 10, 10 और 2 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया था ना, 10 6 16, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 8 से, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16। और सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आया, 5 से बस हो गया। क्या रिएक्शन बनेगा जरा सा देखो, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2S गिव्स आउट K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5S, ये बैलेंस हो जाएगा, समझ में आया। नीचे वाला रिएक्शन देखो, CaNO3 होल ट्वाइस, हीट करने पर क्या दे रहा है, CaO NO2 प्लस O2, क्या करोगे देखो, यहाँ CA कितना है, 1 है, यहाँ भी CA 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 6 है, 2 3 6, ऑक्सीजन कितना है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 1 3 3 2 5, बस यहीं गड़बड़ कर रहा है।